तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष डाकरा में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है फिर से हमारी एक बिल्कुल बफेदार सीरीज, जो कि है लेजेंडरी पोकेमोन पावर्स एक्सप्लेन्ड। तो आज हम लिखने वाले हैं हम सबका प्यारा लेजेंडरी पोकेमोन रिक्वेजा। आज की वीडियो में हम रिक्वेजा की फुल पावर को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि रिक्वेजा कितना पावरफुल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर दो उस ग्रे जो लाइक का बटन है उससे कर करके लाल बना दो। और अब स्टार्ट करते हैं आज की ऑसम वीडियो को। तो वैसे रिक्वेजा एक फ्लाइंग एंड ड्रैगन टाइप का पोकेमोन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। रिक्वेजा हमको सबसे पहली बार देखने को मिला था डिऑक्सिक्स और वर्सेस रिक्वेजा वाली मूवी में। बस वहाँ रिक्वेजा ने डिऑक्सिस को सबसे पहली बार हरा दिया था, पर उसके बाद डिऑक्सिस ने रिक्वेजा को बहुत मारा। बिकॉज रिक्वेजा की पावर बहुत ज़्यादा दिखाई गई हमको एनिमे में। और गाइस, रिक्वेजा ही एक ऐसा पोकेमोन है जो कि ड्रैगन असेंट नाम के मूव को यूज़ कर सकता है, जो कि कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ड्रैगन असेंट मूव इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने प्राइमल ग्रोडॉन और प्राइमल क्रैगर को एक ही बार में नॉक कर दिया था, और इस एक अटैक ने एक बहुत बड़े मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो गाइस, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिक्वेजा का ड्रैगन असेंट अटैक पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में सबसे पावरफुल अटैक है, और इस अटैक से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। और गाइस, अगर रिक्वेजा के कुछ अटैक्स की बात करें तो उसको आता है ड्रैगन पल्स, ड्रैगन रेंज, ड्रैगन क्लॉ, ड्रैगन टेल, ड्रैगन असेंट, फ्लेम थ्रो। और गाइस, रिक्वेजा मेगा इवॉल्व कर सकता है। गाइस, रिक्वेजा तीन तरह से मेगा इवॉल्व कर सकता है। एक अपना उसका एक बॉडी में ऑर्गन है, उससे ड्रैगन असेंट मूव को यूज़ करके। और ऐसे कुछ थ्योरीज हैं कि आर्सिस ने खुश होकर रिक्वेजा को मेगा स्टोन दिया था, जिससे वो मेगा इवॉल्व कर सकता है। और अगर रिक्वेजा मेगा इवॉल्व होता है तो उसकी बेस टाइल सबसे हाईएस्ट बेस टाइल बन जाते हैं पोकेमोन वर्ल्ड में। और अगर रिक्वेजा का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कूल है, हमको शाइनी मेगा रिक्वेजा भी दिखाया गया है। और रिक्वेजा ने अकेले ही 6 लेजेंडरी पोकेमोन को संभाल लिया था, साथ में एक मिथिकल पोकेमोन को। और अगर रिक्वेजा के पास इतनी पावर है कि ये गिरेटिना को अपनी नॉर्मल फॉर्म में हरा सकता है, या रिक्वेजा के पास बहुत ज़्यादा पावर है। मतलब रिक्वेजा क्या बताऊँ, रिक्वेजा ओवर पावर्ड पोकेमोन माना जाता है पोकेमोन वर्ल्ड का। बस रिक्वेजा के ऊपर चार लगातार 5 वीडियो बन सकती हैं, पर मैं आपको इतना बोर नहीं करूँगा। बस एक रिक्वेजा का कलर जो है वो ग्रीन और ब्लैक दिखा गया है, शायद और भी कलर का रिक्वेजा हो सकता है। पर गाइस, रिक्वेजा ओवर पावर्ड पोकेमोन है, मतलब इससे जैसा पोकेमोन हमने अभी तक देखा नहीं है। और गाइस, रिक्वेजा के पास इतनी पावर है कि ये ज़ायगार्ड को भी हरा सकता है, शायद हरा दे, पता नहीं। वैसे फाइट तो उनकी हुई नहीं है, पर अगर फाइट हुई तो ऐसे रिक्वेजा ज़रूर जीतेगा। तो गाइस, आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।